गाइस तो अभी हम जा रहे हैं ओके वालेकुम वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो करते हैं जी आज का व्लॉग जी शुरू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो गाइस सीन कुछ ऐसे हैं कि रात को हम सो गए थे, तो अभी उठे हैं हम थोड़ी देर पहले, दोस्त भी कुछ उठे हुए हैं कुछ सो रहे हैं, और अभी तक हम वहीं पर ही फंसे हुए हैं। ये देखें आप कैसे ऊपर से धूप निकल रही है, और ये कैसे शीशे वगैरह सारी चीज़ें जमी हुई हैं। ये है कि नींद अच्छी आ गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन नींद जो होती है बिल्कुल सुकून वाली नहीं आई, और गुजारा हो गया है। ना आने से आना बेहतर थी, ऐसी नींद थी। तो अभी हम देखेंगे रास्ता जैसे ही क्लियर होता है, फिर नाश्ता भी करते हैं। नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया हुआ। भाई यारों ने जो सामने बैठे हुए हैं एल्टो के सामने, इन्होंने बनाई थी ये, तो हमें भी दी इन्होंने। तो अभी हम ट्राई करते हैं कि कैसी बनी है, ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार नो डाउट अच्छी बनी है, जहाँ मैं भूख पर हूँ तभी अच्छी लग रही है, जहाँ बनी ही अच्छी है। लेकिन ओके गुजारा हो जाएगा, नाश्ता तो हो गया हमारा। अभी जो है डिनर लंच करने जो है आगे जाएंगे, इंशाल्लाह रास्ता खुल जाए। आप भी दुआ करें, कब से कल से फंसे हैं हम, दूसरा दिन हो गया आज, दुआ करें आप। अल्हम्दुलिल्लाह से जो है रास्ता क्लियर हो गया है, तो अभी हम निकल चुके हैं मुजफ्फराबाद के लिए। तो आपकी दुआएं से और जो हम खैर खैरियत से यहाँ निकल गए हैं। बस अभी ये देखें ना, बस सफ़र जारी है। आप दुआ करें खैर खैरियत से हम मुजफ्फराबाद पहुँच जाएँ। 3 hours later गाइस तो खाना वगैरह भी खा लिया है, तो अभी चाय पी रहे हैं। भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि हमने खाना भी खा लिया है, हमारा नाश्ता किया है, दो दिन के बाद नाश्ता किया है। तो अभी सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी निकलेंगे सीधा मुजफ्फराबाद के लिए। ये सोहेल भाई भी जो है थक गए हैं, सब थक गए हैं। असल में सीन ये है कि मैंने जो है ना उधर भी एक दफ़ा चाबी फंसा दी थी, और इधर भी चाबी मैंने फंसा दी थी, लेकिन ये बहुत मुश्किल से निकाली है। तो इसका जो है ना ब्लॉग इससे ज़्यादा नहीं बना पाए, क्योंकि वो है क्या बोलते हैं इसको, अल्लाह आपका भला करे। दरवाज़ा खुलें। असल में सीन ये है कि प्रेशर इतना था थकन का हर चीज़ का, तो चाबी जहन में ही नहीं रही निकालना। तो अभी नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो अभी हम निकलेंगे सीधा घर के लिए। ने जो है ना हमारी ऐसे खुआरी लगती, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बाजारें खुली हुई थी। अरे बाबा हमने खोल ली चाबी यूं अल्लाह के हुक्म से। जैसे है कि अभी हम जा रहे हैं जिप लाइन पे, ये देखें दोस्तों ने पानी में तो चढ़ा लिया है हमें, कहेंगे आप जाएं आप ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर जिधर किधर मरता है। सोहेल भाई इधर, ये हमने पोती हो मोती पे साइड कर लिया है, ये देखे अल्लाह मालिक है। आप दुआ करें हम होकर आए खेल खेलिए से। जियो जियो ये वो वहाँ जाना है वहाँ। तो मैं हो सकता है मोबाइल ना उठाऊं, मैं मोबाइल नहीं उठा रहा, मैं जो है मोबाइल दे रहा हूँ वाहिद भाई को। वाहिद में यहाँ से वीडियो बनाएंगे मेरी। ओके बिल्कुल फिर मत कर। किन ऊपर आ गाइस जैसे कितना दूर है ये। अरे मोबाइल खड़ी में नहीं, और ये असनीन भाई पहुंचते हुए और ये गाइस तो ये देखें मैं आ गया हूँ वहां से, ओ दूर से यहाँ पर आना होता है, खैर खैरियत से पहुंच गया हूँ। बेहतरीन मजा था गाइस, बेहतरीन। वो भी करना चाहे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कर सकता है इधर आके गाइस। तो आपको पता है दोस्त जो है ना हमारे, हमें बोल रहे हैं बाबा आप जो है ना हिंदुस्तान चले जाओ, ये सामने इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये देखें सामने इंडिया का झंडा,
और ये हमें बीच में सिर्फ दरिया का फासला है, नहीं तो आराम से वहाँ पर लोग बैठे हुए, देखें कैसे लोग बैठे हुए, कैसे लोग बैठे हुए, कैसे फैमिलीज हैं, ये देखिए ना कैसे घूम रहे हैं। पुरअमन जो है ना, पुरअमन इलाका है पाकिस्तान और हिंदुस्तान, कोई वो नहीं है, सुकून प्रोग्राम है। देखिए हम कैसे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, कैसे हिल रहा है हिंदुस्तान का। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, तो अभी मुजफ्फराबाद पहुंच गए हैं, तो अभी हम गाड़ी दे दी है वाइफ भाई को, हमने बोला आप चलाएं। अब हम जो है बिल्कुल थक गए हैं, तो अभी फ्यूल भी फुल करवा रहे हैं, पीछे आप देख रहे होंगे, तो फ्यूल फुल होगा तो फिर सीधा इस्लामाबाद जाएंगे। हमने बोला जल्दी पहुँच गए थे, तो हमने बोला बस अभी हल्की हल्की शाम भी है तो निकल जाते हैं इस्लामाबाद के लिए, अभी इधर क्या रुकें, काम भी है नहीं इस्लामाबाद में, काम काज हैं थोड़े, घूमना शुमना भी है, तो वहीं अभी जाएंगे सीधा। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, तो हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद, ये अभी भूख छूख लगी भी है, तो अभी देखते हैं पिज़्ज़ा सीज़ा का मूड है बाबा। ज़िंदगी का जो है ना मेरा ये पहला सफ़र है जिसमें मैं इतना थका हूँ, सर जो है भाका है, पतरा है, और जो है भूख भी ऐसी लगी है बिल्कुल टाइट वाली, क्योंकि आपको पता है 24 घंटे हमने गाड़ी में गुजारे और गाड़ी की नींद भी सही से नहीं हुई हमारी ना, गाड़ी के अंदर नींद भी नहीं हुई, सर्दी भी इतनी, तो इस वजह से थकन हुई है हमें ना, तो अभी जाएंगे सीधा पिज़्ज़ा वीज़ा खाएंगे। जैसे हैं कि अभी डिनर के लिए रुके थे, ये तेज़ीब है, इसके जो है डाइनिंग है नहीं तो टेक अवे है, तो अभी सामने पार्क ही था, हमने बोला इधर ही खा लेते हैं थके में, अब कहाँ इसको हम घुमाते फिरेंगे, तो अभी हम ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई कैसा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गाइस जो बात है, चीज़ गरम दी है बिल्कुल, और जो है टेस्ट भी ओके है, ये आप देखें ना पक्का है, तो वैसे इनको जैसे हैं कि हमने खाना वगैरह भी खा लिया है, तो इसी लोग को करते हैं इधर ही एंड, उम्मीद आप सबको ब्लॉग पसंद आएगा, तो चैनल कर दिया सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपने ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर, ओके अल्लाह हाफिज़।